dear student, you're most welcome on Eco Education. Myself is Nadeem Khan, और आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे कि what is central problem of an economy. ये क्लास 11th के microeconomics के first unit introduction का टॉपिक है. तो चलिए देखते हैं कि what is central problem of an economy. उससे पहले हम ये देखते हैं कि पूरी इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम क्या है. तो देखते हैं, जब हम इकोनॉमिक की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम देखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये जो चॉइस है ये कब पैदा होती है? ये तब होती है जब आपके पास आपकी जरूरत कई चीजों की हो लेकिन उसमें से आपको किसी एक को चॉइस करना हो, किसी एक का चॉइस करना हो. जैसे आपको कई सारे कपड़े पसंद हो उसमें से किसी एक को चॉइस करना हो, तो ये चॉइस की प्रॉब्लम. अब वो भी कब होती है? जब आप उन सबको नहीं परचेस कर सकते, आप कोई एक ही परचेस कर सकते हैं. आपकी इतनी एबिलिटी कि आपको सिर्फ एक ही परचेस करना है लेकिन आप बहुत सारे चाहते हैं, तो उस वहां पर आपको चॉइस की प्रॉब्लम आ जाएगी. तो ये चॉइस की जो प्रॉब्लम है ये जो जनरेट होती है, जो अराइज होती है, वो स्कार्सिटी के कारण होती है. तो इसी को हम इकोनॉमिक की मेन प्रॉब्लम कहते हैं. या जो इकोनॉमिक की मेन प्रॉब्लम होती है वो आपकी चॉइस की ही होती. द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस, जो चॉइस जिससे पैदा होती है, जो अराइज होती है, इस उसी प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं. इसके पीछे इसके कई कारण हैं. पहला, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. आपके पास रिसोर्सेस की स्कार्सिटी होती है, मतलब रिसोर्सेस की कमी होती है. आपके पास एक ही शर्ट परचेस करने के पैसे हैं, आप उसमें दो शर्ट कैसे परचेस कर सकते हैं? अगर आपको भले दो शर्ट पसंद आई हो लेकिन वहां पे आपको किसी एक शर्ट को ही चॉइस करनी पड़ेगी. तो ये प्रॉब्लम जो जनरेट होती है वो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस के कारण होती है. दूसरी जो ये प्रॉब्लम जनरेट होती है उसके मेन रीजन है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम जनरेट होती है. एंड थर्ड जो प्रॉब्लम है, रिसोर्सेस कैन बी पुट अल्टरनेटिव यूजेस. तो हम क्या करते हैं, जब हमारी वांट्स ज्यादा होती है, ह्यूमन वांट्स, और हमारे पास रिसोर्स स्केयर है, लिमिटेड है, इट मीन्स लिमिटेड है, तो हमको क्या करना पड़ता है, अपने लिमिटेड रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज करके हमें अपने जो सेटिस्फैक्शन है उसको सेटिस्फाइड होना पड़ता है. तो ये थी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसके पीछे क्या रीजन है इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, ये थी. लेकिन हमारा जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी तो हमने सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात की लेकिन मेन जो टॉपिक है हमारा वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. क्योंकि हम ये इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है, पूरी इकोनॉमिक की मेन यही प्रॉब्लम है. लेकिन हम किसी जब किसी इकोनॉमी की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया की जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटीज हो रही, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसमें मेन प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है. तो किसी भी इकोनॉमी की, जब पर्टिकुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहां की जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है वो देखते हैं. वो सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस की होती है. इट मींस किसी भी कंट्री या स्टेट के पास जो रिसोर्स होंगे, जो भी रिसोर्स है वो उसके पास लिमिटेड होते हैं. इट मींस अपनी कंट्री की हम बात करें तो हमारा जो नेशनल इनकम है, जो हमारे पूरे देश की इनकम है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं. लेकिन उसी में हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए किन चीजों की ज्यादा जरूरत है और कितनी जरूरत है किस चीज की. तो इसलिए हम अपने रिसोर्स का किस वे में एलोकेशन करें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. इसीलिए ये मेन प्रॉब्लम जनरेट होती है जिसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम आपकी इकोनॉमी की है वो मेन प्रॉब्लम जो है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस की है. क्या आप अपने रिसोर्सेस को किस वे में एलोकेट करें जिससे आपके सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो पाए. तो हम देखते हैं इसकी तीन मेन प्रॉब्लम है कि सबसे पहले ये मेन प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी में कि हम किन चीजों का प्रोडक्शन करें.
सबसे मेन प्रॉब्लम जो जनरेट होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि पहले हम किन चीजों का प्रोडक्शन करें, पहले ये क्लियर करना होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस क्या करना है। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी और कितनी क्वांटिटी में करें। इट मींस अगर व्हाट टू प्रोड्यूस ये कब आ रहा है, किन चीजों का प्रोडक्शन करें तो और कितनी क्वांटिटी में करें, तो यहां पे दो मेन है किन चीजों की, मतलब दो चीजें हैं। पहला है जो वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं और दूसरा जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स है। इट मींस कंज्यूमर गुड्स, इट मींस वो गुड्स जो कंज्यूमर के यूटिलाइज के लिए, जिसका यूज डायरेक्ट कंज्यूमर अब कंज्यूम करता हो, ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करना है। लाइक एज एग्जांपल आपका सेलफोन है या आपके क्लोथ है, कपड़े हैं या जो भी आप यूज करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर उन्हें परचेज करता है। तो या तो कंज्यूमर गुड्स बनाना है या तो प्रोड्यूसर गुड्स का आपको प्रोडक्शन करना है। प्रोड्यूसर गुड्स इट्स मींस ऐसी चीजें आप बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन के लिए करता है, जैसे मशीनरी टूल्स वगैरह होते हैं। तो ये पहले किसी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है कि किन चीजों का प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, ये दो तरीके के गुड्स होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट जो है इसमें, पहले हमने ये देखेंगे कि क्या प्रोडक्शन करना है और किस क्वांटिटी में करना है, पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इसमें जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में, वो है हाउ टू प्रोड्यूस, आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे। ये तो क्लियर कर लिया आपने कि आप प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स का करेंगे या प्रोड्यूसर गुड्स का, बट कैसे करेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम जो अराइज होती है। तो कैसे का मतलब है कि आप दो चीजें हैं यहां पे भी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे, इट मीन शॉर्ट में कहें तो LIT कहते हैं इसे, कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में CIT भी कहते हैं। देखिए दोनों के अपने फायदे हैं अपने नुकसान है। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं तो इससे मैक्सिमम लोगों को आपके कंट्री के एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड हो पाएंगे, तो एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह के प्रोडक्शन में लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है और कैपिटल की कम जरूरत पड़ती है। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है इस तरह के प्रोडक्शन में, वो कि जो प्रोडक्शन क्वांटिटी होती है वो बहुत, वो क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में समय ज्यादा लग जाता है, ठीक है, और आपके टाइम जो है वो मैक्सिमम लग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा लेंदी भी है, इसलिए ये टेक्निक। लेकिन इसके कुछ अपने फायदे हैं क्योंकि ये मैक्सिमम लोग को एम्प्लॉयड देता है। लेकिन सेकेंड जो हम देखते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसमें क्या है आपका कि यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्शन में जो आप करते हैं तो कैपिटल का मैक्सिमम यूज करते हैं, ये नहीं यहाँ पे भी कैपिटल का यूज होगा लेकिन कैपिटल का कम यूज करेंगे और लेबर का ज्यादा यूज करते हैं। तो उस तरह की टेक्निक को, उस तरह के प्रोडक्शन को लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इट मींस लेबर बेस्ड प्रोडक्शन है, लेबर का ज्यादा यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है जब, तो उसे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। और जब हम कैपिटल का ज्यादा यूज करके प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं तो उसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। लेकिन इस तरह की प्रोडक्शन में कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन, जबकि इसके फायदे ये हैं कि प्रोडक्शन बहुत तेजी से होते हैं, लेकिन कैपिटल की इसके लिए ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ेगी और इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है क्योंकि मैक्सिमम लोग को वर्क नहीं मिल पाएंगे। तो जो आपके कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व ज्यादा हद तक नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर उनके लिए प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस, ये नहीं है। इसका जो सेंस है वो ये है क्योंकि आपने क्या प्रोडक्शन करना है ये तय कर लिया, किस टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन करना है ये तय कर लिया, इसके बाद जो प्रोड्यूस हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे करेंगे, ये इसका सेंस है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे, जो भी आपने प्रोडक्शन किया है जिस भी गुड्स या सर्विसेज का, उस गुड्स और सर्विसेज को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। यहां पे दो तरीके हैं,
एक तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप अपने प्रोडक्ट का डायरेक्ट कंज्यूमर को करते हैं, सोसाइटी में कंज्यूमर को करते हैं, दूसरे पर्सन थर्ड पर्सन को करते हैं, तो वो आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जब आप अपने प्रोडक्शन का, जो प्रोडक्शन के आपके फैक्टर है, मतलब कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होते हैं तो उसके फैक्टर होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, यह हमने, या एंटरप्रेन्योरशिप भी उसको कहते हैं, ये हमने स्टडी किया है। तो ये या तो आप अपने फैक्टर में उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब, तो वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो दो चीजें बिल्कुल क्लियर समझिएगा, अगर आप उसका, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, जो भी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस किया है, उसका अगर कंज्यूमर को, इट मीन थर्ड पर्सन को अगर सेल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर आप प्रोडक्ट के, प्रोड्यूसर के जो फैक्टर हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसके जो फैक्टर हैं, अगर उन फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके प्रोडक्ट को, तो वो आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इट मीन्स लाइक एज एग्जांपल, जैसे लैंड है तो उसको आप रेंट देंगे, और अगर जो लेबर हैं उनको वेजेस देंगे, तो इस तरह करके जो कैपिटल लगे हैं उनको भी प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरह करके जब आप अपने फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और जबकि आप पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स जब आप उसको किसी कंज्यूमर, सोसाइटी के कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह ये आपका फार फ्रॉम टू प्रोड्यूस था। इस तरह हमने सेकेंड पॉइंट को सॉल्व किया, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को। तो हमने दो तरह की प्रॉब्लम की यहाँ बात की, एक तो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक थर्ड है जिसे हम कुछ अदर प्रॉब्लम्स में भी इंक्लूड करते हैं, कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी है। जैसे पहली प्रॉब्लम है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बस इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मींस हर इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होता है उसे डाउट होता है इस बात का कि क्या उसने जो प्रोडक्ट का प्रोड्यूस किया है, जिन फैक्टर्स का यूज करके, क्या वो अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज किया है। अगर फुल्ली यूटिलाइज करके वो प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोड्यूस करेगा, तो उसके प्रोडक्शन की जो एरिया होगी या प्रोडक्शन का जो स्केल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ये ज्यादातर कमी होती है हर प्रोड्यूसर की, या हर एक इकोनॉमी में इसकी कमी पाई जाती है कि वहां पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो अपने सभी रिसोर्सेज का अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में यूज नहीं कर पाते। तो ये एक फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की एक प्रॉब्लम पाई जाती है। एक ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की भी सेकेंड प्रॉब्लम इसमें पाई जाती है। इट मीन्स आपके जो भी रिसोर्सेज है उनकी ग्रोथिंग पावर आपने किया है कि नहीं। जैसे कोई भी कंपनी है तो वो जो टेक्निक का यूज कर रही है प्रोडक्शन में वो ओल्ड हो चुकी है, तो नई टेक्निक का यूज, नई मशीनरी, नई टूल्स, मतलब अपने रिसोर्सेज का आपने डेवलपमेंट या ग्रोथ किया है कि नहीं, तो वो आपका सेकेंड अदर प्रॉब्लम का पार्ट है। तो इस तरह हमने थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड किया है। पहला तो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेकेंड हमने देखा है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एंड थर्ड देखा है हमने अदर प्रॉब्लम। तो इस तरह ये टॉपिक कवर हुई आपकी। अगर इस पूरे टॉपिक में फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका, तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, ठीक है। और ये पूरे वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।